Good morning, class 3, lecture number 12, maths, unit number 1, what we have learned, page number 11. In previous lecture, we have done about friction, ठीक है? Friction के बारे में किया और उनसे related questions के बारे में भी किया, ठीक है? आज आपके पास है question, pick the objects that equal each friction, ठीक है? ये आपके पास जो है, कुछ एग्जांपल इसकी दी गई है ठीक है ना जैसे कि ये कितने हैं 1, 2, 3 ठीक है तो नीचे इधर क्या है न्यूमरेटर में आपके पास 3 अब इसमें कितने जो हैं वो टिक हैं यानी 1, 2 को टिक करके यानी 2/3 जो है वो क्या है इक्वल फ्रैक्शन है ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास क्या है देखें बुक पेज नंबर 11 पर ठीक है 39 क्वेश्चन है हमारे पास 3/4 यानी हमने फ्रैक्शन के हिसाब से क्या करना है ऑब्जेक्ट को टिक करना है ठीक है सबसे पहले तो हम ये देखेंगे 1, 2, 3, 4 ये तो 4 हैं ठीक है ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है 3 सो टिक द 3 ऑब्जेक्ट्स 1, 2 and 3 ठीक हो गया लुक एट देयर 1, 2, 3, 4, 5 नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 5 अब न्यूमरेटर में क्या है 2 सो वी टेक द 2 ऑब्जेक्ट्स 1, 2 लुक एट देयर आर 2, 1, 2 सो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2 ऊपर न्यूमरेटर में क्या है 1 सो टेक द 1 ऑब्जेक्ट ठीक है इसी तरीके से लुक एट देयर 1, 2, 3, 4 नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 4 टेक द 3 ऑब्जेक्ट्स 1, 2 and 3 ठीक हो गया रेस्ट ऑफ द 4 इज योर होमवर्क ठीक है इसी तरीके से आपने जस्ट बुक के ऊपर ही करना है और उसको बुक पे ही सॉल्व करना है ठीक है और अपनी बुक को चेक करवाना है ठीक है थैंक्स